बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, बहस हमने इस बुनियाद पर वापस ले लिया कि पिशावर हाई कोर्ट में ये केस अभी ज़ेर समात है और हम उम्मीद रखते हैं कि चंद मिनट्स के बाद या कुछ थोड़ी देर के बाद उसका फ़ैसला मुतवक्के है। देखें, बल्ला हमारा निशान है, हमारा ये हक है कि वो हमें मिले। ये सिर्फ पार्टी का हक नहीं है, ये अवाम का हक है। पाकिस्तान में या हमारे सराउंडिंग कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे, 70% से ज़ायद आबादी अनपढ़ है। अब एक अनपढ़ आदमी को पहचान कैसे होगी कि मैंने किसको वोट देना है, मैंने अपना हक के हुक्मरानी किसके हाथ में देना है, क्योंकि जमहूर का फैसला ही जमहूरियत कहलाता है। अगर आप जमहूर को डिप्राइव कर दें कि वो अपने बुनियादी हक से महरूम हो जाएं, तो ये जमहूरियत नहीं कहलाएगी, ये जमहूरियत के नाम पे ढोंग तमाशा कहलाएगा। जस्टिस एजाज अनवर पिशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया जिसका कोई जवाब नहीं था। वो शिकायत कुनिंदा जो हमारे खिलाफ गए हुए हैं, वो ये था कि आपको जब पीटीआई में अपने आप को आप क्लेम करते हैं, तो आपको तो चाहिए था कि आप ये कहते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, लेकिन बल्ले का निशान वापस ना लें। आप तो इस बात पे आए हैं कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, तो लिहाजा आप पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि ये बहुत पर्टिनेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे ये साबित होता है कि कुछ लोग प्रॉक्सी हरकतें करके, किसी और का एजेंडा ले करके बल्ले के निशान से कौम को, अवाम को और पीटीआई को महरूम करने की साजिश का हिस्सा बनके हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में गए। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उस माफिया को वॉकओवर देने के लिए, उस शहनशाह करप्शन नवाज शरीफ और उसके लवाहिकीन को ये बेनिफिट देने के लिए कि किसी तरीके से कॉम्पिटेटिव प्रोसेस से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को वहां से आउट कर दिया जाए। कल ही परसों ही मेरे हलके से, जो कि NA 47 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, हमारे एक दोस्त सोशल मीडिया के, उसने सर्वे किया जो कल आपने देखा होगा, जिसमें 90% हमारे साथ अवाम और कौम खड़ी है, पीटीआई और हम मेरे साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबल 10% से भी कम पीडीएम की तमाम जमातों को वो वोट मिले। वो पूरे एरिया और हलके का ये एक सर्वे था। और फिर जब सर्वे हमारे हक में आने शुरू हुए, इसके बावजूद कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद हैं, कुछ नादीदा लोगों के कहने पे या माफिया के साथ आशीर्वाद करते हुए, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने और सुनो टीवी ने और कई टीवीज ने जब सर्वे जारी किए, तो पैमरा बीच में आ गया सहूलतकारी करते हुए कि जनाब कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या टीवी चैनल सर्वे ना दिखाया करे। भाई ये इलेक्शन है या ये सिलेक्शन है? पूरी दुनिया में सर्वे दिखाए जाते हैं, पूरी दुनिया में ये मौका दिया जाता है कि तमाम पार्टीज का सर्वे किया जाए, और सहाफत की आज़ादी है इसमें, राइट टू इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 इसमें है, आर्टिकल 19A है कि हर किसी को मौका मिले और पता चले कि कौन कितने पानी में है। तो मैं समझता हूं कि आज जो साजिशें पीटीआई और पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ हो रही हैं, ये बहुत काबिले मुजम्मत हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ आपने पिछले 15 दिन का मुलाहजा किया, नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनने, स्कैंडल प्रपोजर को उठाने, अगवा करने, तशद्दुद करने, कैंडिडेट्स के ऊपर तशद्दुद करने, उनको उठाने, अगवा करने, उनको गिरफ्तारियां, ये सारे उस प्रोसेस का हिस्सा रही। और जिस थोक के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स रिजेक्ट करे बाशमूल मेरे, मैं समझता हूँ कि ये नहायत काबिल मुजम्मत हरकत है, ये आईन की खिलाफवर्जी है, ये कानून की खिलाफवर्जी है, ये आईन और जमहूरियत का तमाशा करने के बराबर है। देखें, आज हम आगे चलते हैं, जो माजी में हुआ छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग,
लेकिन क्या हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं? जवाब एक ही है, नहीं। क्या फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के बगैर मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो फिर जवाब एक ही है कि जो शख्स, जो इदारा, जो लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, उनके लिए एक ही हिदायत और नसीहत है कि आए इस मुल्क की जड़ें खोखली करने की बजाय, इस मुल्क के इकाइयों को कमज़ोर करने की बजाय, आए हम मजबूती के साथ इस मुल्क को मजबूत करें। और उसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, इसलिए कि आपके पास डॉलर का इनफ्लो तब आएगा जब आप एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे जिसको पब्लिक की सपोर्ट हासिल होगी। इसलिए कि आपको जब सख्त फैसले करने होंगे तो पब्लिक की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकेंगे। वरना जो तमाशा हमने 18 महीने में पीडीएम की हुकूमतों के दरमियान देखा, इस मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ले गए, तो इससे ज़्यादा बदतर सूरत हाल होगी। क्योंकि लूले लंगड़े और सियासी यतीम अगर हमारे सरों पे मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम ये होगा कि आज आपका डॉलर इनफ्लो बंद हो गया है, आज आपकी महंगाई अपने उरूज पे है, आज बिजली का रेट आप देख लें, पेट्रोल को देख लें, डॉलर का रेट देख लें, आप बदतरीन माशी तबाही की तरफ जा रहे हैं। जबकि इसके मद्दे मुकाबले में इमरान खान का जो लास्ट इंडियोर था, इसके बावजूद 3.5-4 सालों में 2 साल उनका कोरोना में भी गुजरा, फिर भी लास्ट टाइम 6.2% GDP थी। उस वक्त $24 बिलियन का आपके पास रिजर्व था और डॉलर इनफ्लो था, इसलिए कि ओवरसीज आपके ऊपर तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा जब यहाँ स्ट्रांग जमहूरी हुकूमत होगी। इसलिए कि जिस शख्स के या जिस पर्सनैलिटी के या जिस पार्टी के लीडर के पैसा बाहर पड़ा होगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट बाहर होगी, तो वहाँ किस मुंह से वो उनको कहेगा कि अपना पैसा लेकर आए, यहाँ आकर इन्वेस्ट करें? वो कह नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि PTI के साथ आज 80 से 90% आवाम खड़ी है और इमरान खान वाहिद लीडर है, वीनली लीडर है, जिसके ऊपर ओवरसीज 100% ट्रस्ट करते हैं। आज वो अपना पैसा लेकर यहाँ आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारे मुल्क को तरक्की मिलेगी, हमारे मुल्क की माशी बेहतरी आएगी, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम कम होगा और हमारे मसाइल कम होंगे। वरना ये नेशनल सिक्योरिटी भी एट रिस्क एंड कास्ट हो जाएगी अगर खुदा न खास्ता इसी तरह एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में तमाम इदारों को यरगमाल बना लिया गया है और तमाम इदारे बांदी बन के माफिया के सामने सरनिगु होकर खड़े हुए हैं, और यह काबिल अफसोस बात है। इससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा, हमारी मईशत को और 25 करोड़ आवाम को नुकसान। शोएब शेख साहब, बताइएगा, ना बल्ला मिल रहा है, ना विकटें मिल रही हैं, ना पिच मिल रही है, ना फील्ड मिल रही है, ना लेवल प्लेइंग मिल रही है, छक्का मारते हो तो पीछे स्टंप आउट हो जाते हैं, ये कश्ती कमर में फंसी कैसे है, कैसे निकालेंगे? आज भी थर थर कांप रहे वो लोग जो हमें बल्ले का निशान नहीं लेने देते, आज भी वो कांप रहे हैं वो लोग जो हमारे लोगों को उठा रहे हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद जो हमारे साथ हो रहा है, इस जुल्म, जबर और बर्बरियत के माहौल के बावजूद भी हम हर हलके में मुकाबला करेंगे, हमारा हर लीडर और वर्कर मुकाबला करेगा, इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। आपको अगर एक साल पहले याद होगा, इमरान खान का इंटरव्यू, 4 बातें की थी इमरान खान ने। नंबर 1 कि ये लंदन प्लान के तहत ये मुझे जेलों में बंद करेंगे। नंबर 2, नवाज शरीफ को लाएंगे, उनके मुकदमे खत्म करेंगे और उसको अहल करेंगे। 2, तीसरी बात उन्होंने ये की थी कि हमारी पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 3 बातें मुकम्मल हो चुकी हैं। 4थी बात की थी कि उसके बावजूद हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और आपको 8 फरवरी को नजर आएगा कि हमें इलेक्शन जीतेंगे। शेख साहब, इलेक्शन में 1 महीने से भी कम टाइम रह गया, कहीं कोई सियासी सरगर्मी मुल्क में नजर नहीं आ रही, ना कोई लीडर बाहर निकल रहा है, ना कहीं से वर्कर बाहर निकल रहे हैं। आप हरल के मुकाबला करने के कह रहे हैं, कंपेन कौन चला रहा है? आपके अक्सरियत तो कैंडिडेट्स आपके वकील हैं, वो सुबह शाम अदालतों में रहते हैं, कंपेन क्या चलाएंगे हल्के में? आज आपको मैं बता रहा हूँ, मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मैं अदालतों में भी होता हूँ, मैं हल्के में भी होता हूँ,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस हलके और जिस एरिया में जा रहा हूँ लोगों की मोहब्बतें इतनी हैं, वोट इमरान खान का है, वोट पीटीआई का है, वोट नजरिए का है। हम पूरे पाकिस्तान में कंपेन भी चलाएंगे, लोगों के पास जा भी रहे हैं और जाएंगे इंशाल्लाह, आपको रिजल्ट बताएगा। सर्वेज के ऊपर तो बंदी है, लेकिन रात को जो फरीदा फरूकी साहब की एक वीडियो लीक हो रही है और वो मुस्लिम लीग नून के हलके का सर्वे कर रही है और वो लोगों के साथ एंगेज हो रही है कि बात कैसे करनी है, उनके सर्वेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और बाकी जो दीगर टीवी चैनल है उनके ऊपर पाबंदी है क्या? हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि अब आप सर्वे कर सकते हैं और सर्वे चला भी सकते हैं, लेकिन दूसरी बात, कुछ साफी हजरात पीएमएलएन को सपोर्ट करने के लिए पहले जाकर बताते हैं कि ये हम सवाल करेंगे और ये आपने जवाब देना है, वो भी वीडियो आ चुकी हैं। ये काबिल अफसोस है, ये सहाफत नहीं है। इसके अलावा जो कुछ हो सकता है मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। थैंक यू। के हवाले से पिशावर हाईकोर्ट में अभी तक डिसीजन नहीं आया, जबकि यहाँ पर भी आपने पिटीशन वापस ले ली है, आप पूरा एतमाद है कि आपको पिशावर हाईकोर्ट से अच्छा फैसला? देखें, हम यहाँ इसलिए वापस लिए कि हमने वहाँ हाईकोर्ट में ये स्टेटमेंट दी हुई थी, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से हमारे हक में फैसला आएगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई इशू हुआ तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, हम दोबारा यहाँ आ जाएंगे। वो इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ ऑर्डर था जो हमने वापस लिया। थैंक यू।